बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ शिकम पूरी कबाब, जो कि हैदराबादी रेसिपी होती है, यानी हैदराबाद दक्कन की रेसिपी है। और ये बहुत मज़े के कबाब होते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ा सा फिलिंग करना मुश्किल होता है, मगर आप अगर करेंगी एक दो कबाब के बाद फिलिंग करना सीख जाएंगी। तो आ जाते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके लिए मैं बछिया का गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ, व्हील का गोश्त 1 किलो। आप चाहें तो बकरे का या गाय का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें गरम मसाला जाएगा, काली मिर्चें साबित हैं, बड़ी इलायची है, लौंग है और दालचीनी के टुकड़े हैं। प्याज 1 अदद है, इसके बड़े पीसेस काट लिए हैं मैंने। हरी मिर्चें हैं बड़ी, 3 से 4 अदद। अदरक के टुकड़े हैं और 4 से 5 अदद लहसुन के जमे हैं। लाल मिर्चें साबित हैं, 5 से 6 अदद। पिसी हुई लाल मिर्ची है 1.5 टेबल स्पून और नमक है 1 टेबल स्पून या हसब ज़रूरत। दाल है चने की 1.5 कप और पानी है 1 लीटर। अब एक हम भगोना ले लेंगे, उसके अंदर ये गोश्त हम डालेंगे। गोश्त थोड़ा सा चिकने वाला है, बहुत मज़े के सॉफ्ट कबाब बनते हैं। इसमें हम लाल साबित मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और प्याज को डाल देंगे। और साबित गरम मसाला जो मैंने आपको बताया था, वो भी इसमें सारा का सारा इस वक्त चला जाएगा। आप इसको कूट भी सकते हैं। चने की दाल धो दी है मैंने और इसको भी हम डाल देंगे। 1.5 कप चने की दाल इसमें चली जाएगी। उसके बाद हम 1 लीटर पानी डालेंगे और इंशाल्लाह 1.5 घंटे में आपका ये कबाब का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। नमक मैं बाद में डालूंगी जब इसका गोश्त और दाल गल जाएगी। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और जब खौल आने लगेगी तब हम ढाप देंगे और 1 घंटे के बाद हम देखेंगे इसकी दाल और गोश्त इंशाल्लाह गल जाएगा। देखिए अब इसमें तकरीबन गोश्त का कलर बदल गया है, खोल आ रही है। अब मैं इसको कवर करके गलने के लिए दरमियानी आंच पर रख दूंगी। अब देखें गोश्त गल चुका है, इसकी दाल और गोश्त दोनों अच्छे से गले हुए हैं। मैं नमक डाल के मज़ीद 15-20 मिनट पकाऊंगी ताकि पानी इसका सूख जाए और नमक इसमें जज्ब हो जाए। अब हमारा जो है मिक्सर तैयार है। तो अब हरा मसाला, हरी मिर्चें और अंडा, वो गरम मसाला है पिसा हुआ, और प्याज है चॉप 1 अदद। ये सारी चीज़ें अब जाएंगी। अब मैं कबाब के गोश्त को हरा धनिया, हरी मिर्ची और प्याज डाल के पीस लेती हूँ, पिसा हुआ है। अब इसमें गरम मसाला डाल लें और लेमन जूस जाएगा और अंडा जाएगा। लेमन जूस से बहुत चटपटा सा मज़ा आता है, आप चाहें तो डालें, नहीं अच्छा लगता तो मत डालें। इसको मिक्स कर लेंगे, मसाला जो गरम मसाला पिसा हुआ डाला है। उसके बाद 1 अदद बड़ा अंडा मैं इसमें शामिल करूंगी। इससे कबाब एक तो बिखरता नहीं है तलते वक्त और सॉफ्ट भी रहता है। अब फिलिंग में तैयार कर रही हूँ। दही है तकरीबन 1/2 कप में ले रही हूँ, जिसका पानी निकला हुआ है। और इसमें प्याज कुटी भी डालेंगे हम, आधी प्याज या पाव प्याज है। हरा मिर्ची और हरा धनिया डाला है बारीक चॉप, और काली मिर्ची और नमक पीसी भी डाल दिए। काली मिर्चें पिसी हुई तकरीबन 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ मैं। इससे 4 से 5 अदद कबाब आपके तैयार हो जाएंगे, फिलिंग भर जाएंगे इसकी। अब मैं कबाब बनाना आपको सिखाऊंगी कि कैसे फिलिंग करते हैं। अब मैंने एक पेड़ा ले लिया छोटा, इसको प्रेस करके कबाब की शक्ल दी। फिर इसके अंदर थोड़ी सी फिलिंग हम रखेंगे, बहुत ज़्यादा आपको फिलिंग डालने की ज़रूरत नहीं है वरना कबाब से बाहर आ जाएगी। अब दूसरा छोटा सा पेड़ा हम बनाएंगे। ये कबाब की शेप तो सबको ही बनानी आती है, तो आप कबाब की शेप बनाकर ऊपर से रख दीजिए और सिर्फ किनारों को आपने दबा दबा के सील करना है, सेंटर से नहीं दबाना वरना फिलिंग बाहर की तरफ आने लग जाएगी। आप देखें कितने आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इंशाल्लाह बना लेंगी, बहुत मज़े के कबाब लगेंगे सबको। अब दूसरा कबाब बना रही हूँ मैं, आपको 2 कबाब बना के दिखाती हूँ।
फिर मैंने फिलिंग रखी है, दोबारा से मैं दूसरा पेड़ा बनाऊंगी। इसको नीचे रख दिया अब आराम से, और अब दूसरा पेड़ा बना के वैसे ही कबाब की शक्ल दें प्रेस करके, और इसके ऊपर आप रख दीजिए और किनारों को आप सील कर दें। आप इंशाल्लाह एक दो कबाब बनाने के बाद एक्सपर्ट हो जाएंगी, बना सकेंगी इंशाल्लाह। ये देखिए तैयार हो गए। अब मैं आपको इसको फ्राई करके बताऊंगी। फ्राई करते हुए बस आप जब टर्न करेंगे तो उसमें एहतियात करने की ज़रूरत है, वैसे टूटते नहीं हैं इंशाल्लाह, क्योंकि कबाब का मिक्सचर भी हमारा ज़्यादा पतला नहीं था। ये देखिए बहुत एहतियात से टर्न करिएगा और ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करना है। ये देखिए ये कबाब को मैं खोल के दिखा रही हूँ, बहुत सॉफ्ट मज़ेदार, खुशबू बहुत अच्छी है। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं फीडबैक दीजिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।